आज 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज संभवतः चुनाव आयोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसमें इनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज शाम 3:30 बजे दरअसल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसमें यह माना जा रहा है कि यह ऐलान होगा। न्यूज 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस है 3:30 बजे, शायद तारीखों का ऐलान आज हो जाए संभवतः। देखिए, बिल्कुल, जो चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज जारी किया गया है, जो इन्विटेशन भेजा गया है कवरेज के लिए, उस कवरेज में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल फॉर जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश, डे एंड डेट January 8, 2022 सैटरडे। यानी कि आज 3:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस विज्ञान भवन में हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही जो कयास लगाए जा रहे थे कि कोविड को लेकर क्या चुनाव को टाला जा सकता है या कुछ अलग से एहतियात बरता जा सकता है, इसके बारे में अब बिल्कुल साफ हो गया कि चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। पांचों राज्यों में चुनाव आयोग का डेलीगेशन गया था और डेलीगेशन जाकर पूरी तैयारी के साथ पूरे जो सिक्योरिटी से लेकर तमाम जो इंतजाम है उन इंतजामों को ध्यान में रखकर ही आज अनाउंसमेंट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कि चुनाव आयोग ने हेल्थ सेक्रेटरी की बैठक बुलाई थी, इसके अलावा आपने देखा कि होम सेक्रेटरी की बैठक बुलाई थी। यानी कि पूरी तैयारी के साथ चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में अब देखना सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है वहां पे कितने फेजेस में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग करती है। और बाकी जो पंजाब है जहां पे ऐसी कुछ घटनाएं हुई है, पंजाब में भी कितने फेजेस में चुनाव कराने का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा।